छोटा सा पहले आपका परिचय चाहेंगे। Myself Sharad Srivastava. I am working as assistant professor in mechanical engineering department of the University of Delhi. श्रीवास्तव जी, राइजिंग इंडिया के साथ आपकी कैसी जर्नी रही है? काफ़ी आपके बच्चों को डेमोस्ट्रेशन भी कर रहे हैं, बुक्स वगैरह रीड आउट करते हैं, ब्रेन जिम के थ्रू इसको ब्लाइंड के लिए अलग अलग थर्ड आई एक्टिवेशन, ठीक है, ब्रेन जिम एक्टिवेशन अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो मैंने इसी के बारे में आपसे जानना चाहूँ, कैसा किस तरह का अनुभव रहा आपका ब्रेन जिम करने से पहले और ब्रेन जिम करने के बाद लियांग का खास करके? देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि सर, जब मैं यहाँ फर्स्ट डे आया, यहाँ मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर देखा और सारी चीज़ें देखी, तो उस समय क्योंकि मेरा बेटा 3 साल का ही 3+ था, तो मुझे ये नहीं लगता था कि ये कुछ सीख पाएगा, लेकिन मैंने बस एडमिशन कराया ये सोच कर कि देखते हैं क्या करता है। बट एडमिशन के 1.5 से 2 महीने के बाद मैंने देखा कि इसके चीज़ों में, इसकी अपब्रिंगिंग में ड्रास्टिक चेंज आया, और सबसे बड़ी बात कि इसने ब्लाइंड फोल्ड सीखा, जो कि मैंने कभी एमए मतलब सोचा भी नहीं था कि ये सीख पाएगा, और इसने इसको सीखा और अब ये बहुत अच्छे से इसको करता है। इवन ये वॉल्स पर दर्श लिखा है, बुक्स रीड कर लेता है, जो कि मेरे लिए मतलब बहुत ही प्लीज है। और इसके अलावा इसकी स्पोकन इंग्लिश प्लस अबेकस के थ्रू जो इसकी मैथमेटिकल एबिलिटी है, हर चीज़ इनहेंस हो रही है, तो अच्छा लग रहा है और मुझे मतलब बहुत पॉजिटिव लग रहा है। वेरी वेरी गुड, थैंक यू सो मच। मुझे श्रीवास्तव, आपका क्या कहना है कि मतलब कि लियांग के अंदर ऐसे कौन कौन सी पेरेंटिंग की, मतलब गाड़ी के दो पहिए होते हैं, इसमें 80% मदर जो है वो ज़्यादा योगदान बच्चों की ग्रोथ में है, तो आपको कैसे आपको राइजिंग डे के साथ जुड़ने की और कैसे